दोस्तों, तो आज के दिन एक ऐसे स्टॉक के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं और उस स्टॉक का नाम पहले जान लेते हैं, जेबीके पावर। ठीक है, तो कंपनी अभी इसके अंदर अभी लो सर्किट देखने को मिल जाता है और ख़ास वजह क्या है, कंपनी के अंदर क्यों गिर रहा है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में बातचीत करेंगे। क्या स्टॉक के अंदर लग सकता है जेबीके? ठीक है, अभी अभी आई बिग गुड न्यूज़। ठीक है, तो ये आप लोग थंबनेल तो देख लिए होंगे, तो अब डायरेक्ट वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल से नए जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना और हम डायरेक्ट वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। ठीक है, अगर आज का वीडियो नहीं देखा तो आपने कुछ भी नहीं देखा। और स्टॉक के अंदर कहाँ तक गिरावट हुई और बैंक निफ्टी और सेनेक्सा कहाँ तक में मतलब गिरेगा, क्या कल के दिन में भी और भी गिरावट देखने को मिल सकती है, तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले। बस आपके 3-4 मिनट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हम पूरी जानने की कोशिश करते हैं, चलते हैं वीडियो की ओर। तो हम इसकी बात कर रहे थे, आपको पता है जेबीके एंड इन फ्यूचर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जो आपको पता है स्टॉक के अंदर आज करीबन लगभग 8% का लो सर्किट देखने को मिल जाता है और स्टॉक के अंदर लगातार एक मंथ से ज़्यादा हो गया इसके अंदर गिरावट क्यों हो रही है, क्या इसकी खास क्या इसकी वजह है, क्या अभी लोग इसको बाय करने के लिए सोच रहे हैं? तो आप लोगों को बता दूं, पब्लिक अभी बाय करने के लिए कुछ भी नहीं सोचती, ऐसा आपको पता है। ठीक है, तो जो अभी इनके मतलब जो इन्वेस्ट कर चुके तो वो अभी बेचारे बहुत बुरी तरह से फंसे हुए। अब जैसे मुझे कमेंट भी आया था सर कि हमें 100% अमाउंट लगा दिया, अब क्या करें, स्टॉक बहुत ज़्यादा लो में देखने को मिल गया। अब करीबन हम 5 दिन की भी बात करें तो स्टॉक लगातार 5 दिन से लो सर्किट में देखने को मिल रहा है। और वैसे आज के दिन की बात करें तो एक टाइम मोमेंटम भी देखने को मिलता है, एक टाइम हाई भी देता है स्टॉक में। मतलब आप देख पा रहे होंगे 3.45 रुपये तो स्टॉक की ओपनिंग होती है और 3.85 रुपये हाई है और लो देखने को मिल जाता है जो करीबन 3.45 रुपये के आसपास है। और ऐसे चलते में हम मार्केट कैप की बात करें तो लगभग आपको पता है 581 करोड़ का मार्केट कैप है और इतना अच्छा मार्केट होने के बाद में क्यों गिरावट हो रही है? तो दोस्तों, गिरावट क्या कल के दिन में भी हो सकती है? आज के दिन आपको पता है बैंक निफ्टी और सेनेक्सा लगभग 1.5% के आसपास गिरावट के अंदर देखने मिलती है। जैसे कि मैंने कल के दिन आप लोगों को बताया था कि दोस्तों, कल आपको पता है मैंने आपको वीडियो में बताया था कि कल मार्केट में इतने ज़्यादा क्रश देखने को मिलेगा, शायद ही आपने देखा होगा। ठीक है, तो अच्छा खासा क्रश देखने के बाद में स्टॉक में मतलब 8% का लो देखने को मिल जाता है। करीबन मोटा मोटी बात करें तो लगभग स्टॉक में 30 पैसे की गिरावट देखने मिल जाती है। अभी तो एक तरह से वैसे पैनिक स्टॉक है, 3.5 रुपये इसकी करंट प्राइस देखने को मिल जाती है और अभी हमें कितना लॉस दे सकता है। जैसे अभी हम बात करें तो लगभग जैसे एक 5 दिन पहले पुराने भी इन्वेस्टर की बात करते हैं, लगभग 5 दिन में स्टॉक 20% नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल जाता है। करीबन बात करें वही हम तो जैसे एक मंथ पहले पुराने इन्वेस्टर हो गए तो उनका अभी लगातार आपको चार्ट पैटर्न देख पा रहे होंगे, लगातार इसके अंदर कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिलता है, लगातार डाउन देता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अब जैसे पुराने इन्वेस्टर हो गया तो पर शेयर के पीछे उन्हें 2-2.5 रुपये का लॉस देखने को मिल जाता है एक मंथ के अंदर। जैसे 6 मंथ की बात करें तो वही हमें 6 मंथ के अंदर देखने को मिल जाता है और बस साल भर की बात में यही भी गिरावट देखने को मिल जाती है, करीबन वही 5 वर्ष के अंदर, वही मैक्सिमम ऑल टाइम के अंदर है। ठीक है, तो स्टॉक के अंदर मतलब करीबन बात करें वैसे तो लगभग आपको पता है जो मंथली में गिरावट देखने को मिली है, लगातार आपको पता है एक मंथ से स्टॉक लो सर्किट में देखने को मिलेगा। अब इसके बहुत कम चांसेस है कि इसके 3 रुपये से पहले ये स्टॉक रुकेगा। ठीक है, ये स्टॉक 3 रुपये जाके अभी रुकने वाला है और अभी इसका इसका लो सर्किट है वो बहुत जल्दी आप देखने को हटने को मिलेगा। ठीक है, बहुत जल्दी अपर सर्किट देखने को मिलेगा। जब भी अपर सर्किट लगेगा तो नए इन्वेस्टरों के लिए खासतौर से बता दूँ, इस पर नज़र रख लेना। और अब जैसे पुराने इन्वेस्टर हो गए तो उनका अच्छा खासा लॉस देखने मिलता है, कुछ लोगों ने 5 रुपये पे, कुछ लोग 4 रुपये पे, 5.5 रुपये के आसपास बाइंग करके चल रहे हैं। तो उन लोगों को बता दूँ, आप लोग इसको नज़र में रखो बस, ताकि आपके पास और कोई भी रास्ता नहीं है, स्टॉक को थोड़ा एवरेज कर लो। ठीक है, स्टॉक को एवरेज कर लो ताकि थोड़ा आपका मतलब लॉस है वो कम देखने को मिले। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, जो लोग चैनल से नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।